जो लोग ईशा और अभिषेक कुमार को अभिषा बुलाते हैं, मैं तो उनको बस ये चीज कहना चाहूंगी कि भाई अपना जाके नया टैग ढूंढ लो, क्योंकि ये अभिषा टैग जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजर्व करते हैं और सूट करता है ये टैग सिर्फ मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान के ऊपर, क्योंकि वो एक प्योर बॉन्ड था और लोगों ने उनके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट किया। अब उनका नाम लेके ये दोनों फेमस होना चाहते हैं या इनके फैंस इनको इस नाम को लेके फेमस करना चाहते हैं, तो मैं तो बस यही कहूंगी भाई नया कोई नाम ढूंढ लो, क्योंकि ये क्या चीज है, एक जगह तुम खुद ही क्लियर नहीं हो। एक तो शफल हुआ रूम, और फिर जो है कैसे हुआ शफल, किस तरीके से ट्विस्ट एंड ट्विस्ट आई हैं बिग बॉस लेके आए हैं, बिग बॉस ने फोन करके सब चीजें घर पे बोली हैं कि भाई ऐसा शफल होगा वैसा होगा। अभिषेक और ईशा अब एक बेड पे सोते भी हैं, ठीक है, पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, करते थे पर अब अभिषेक करता है प्यार, पर वो उसको दोस्त नहीं बनाना चाहता है, वो कुछ और चाहता है, पर ईशा जो है उसको अपनी लाइफ में चाहती नहीं, पर फिर भी वो एक साथ बेड पे सो सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब फिर दोबारा से पूल में भी दोनों साथ में स्विमिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, रोमांस करेंगे, पर भाई इनके बीच में कुछ नहीं है, ना ये चाहते हैं। अगर कोई कुछ बोले कि हाँ भाई तुम में कुछ है लग रहा है, नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। क्या है, जो प्योर बॉन्ड था ना अभिषा का, वो मुंह पे था, सब चीज़ें मुंह पे थी, तो कोई कुछ छुपा के या छुपके नहीं था। इन लोगों ने तो भाई इसका मजाक उड़ा के रखा हुआ है, एटलीस्ट क्लियर तो हो जाओ, अगर प्यार करते हो तो साथ में रहो, अगर दोस्ती है तो क्लियर करके दोस्ती के जैसा रहो, अगर तुम एक्चुअली में अलग रहना चाहते हो तो अलग हो जाओ, तो आपके भी फैंस को तो एक रास्ता मिल जाएगा ना, वो भी आपकी तरह लड़खड़ाएंगे थोड़ी ना, आपके फैंस को भी रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि आप रास्ता दे नहीं रही हैं, सबसे ज्यादा ईशा की गलती है, ईशा रास्ता दे नहीं रही है, ईशा को मजे फुल चाहिए पर उसको ये लेना नहीं है, बोलना नहीं है कि अभिषेक मेरी लाइफ में आ जाए, तो एटलीस्ट क्लियर तो रखना चाहिए। ये लोग क्लियर रख नहीं रही हैं कि अगर ये प्यार करते हैं तो लोग भी फिर इनको प्यार करेंगे, अगर ये दोनों हेट करते हैं एक दूसरे को तो लोग अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। अब आपका क्या कहना है भाई? मेरा तो यही कहना था, जाके इस ईशा और अभिषेक कुमार को जो अभिषा बोलते हैं, भाई जाके नया टैग ढूंढ लो, ये टैग तो इनके नाम पे ना आ पाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।